Hello dear students, good afternoon to all of you. Thought of the class. The biggest guru mantra is never share your secrets with anybody. It will destroy you. It means सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने सीक्रेट्स को कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए. यह आपको जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब ख़त्म कर देगा. आज की हमारी क्लास का मोटो है तैयारी करने में फेल होने का अर्थ है फेल होने के लिए तैयारी करना. अर्थात आप अपने काम में निरंतर लगे रहिए और फेल होने से कभी मत डरिए. चलिए बढ़ती है हमारी क्लास की ओर. आज हम डिस्कस करने वाले हैं विल बी एबल टू के लिए. कहने का मतलब ये सारा आपका होगा, है ना. सेंटेंस में विल बी होगा और एबल टू होगा, सकेगा या पाएगा, है ना. इसका सेंस ये निकलेगा. अब देख लेते हैं एग्जांपल तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जैसे हमारा पहला एग्जांपल है मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा या सकूँगा. मैं वहाँ नहीं जा सकूँगा तो क्या बनेगा, आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर. देखिए पूरा सेम ही है, लेकिन मैंने जब आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि बिल और सेल होती है हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब. कौन कौन, बिल होती है और सेल होती है, ठीक है. तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि कोई भी हो, आगे करना हो या नॉट लगाना हो, केस कोई भी बना रहे हो, है ना, तो इनके बाद ही हमारा नॉट यूज होता है या इन्हीं अकेले को आगे करते हैं. तो बिल के बाद नॉट यूज हो गया, बाकी का हमारा सेम ही है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है. दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, क्या तुम ये कर सकोगे या कर पाओगे, है ना. विल यू बी एबल टू डू दिस, है ना, क्लियर. नेक्स्ट इसी को हम विल को अब क्या कर देंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे तो विल का हो जाएगा वुड. तो वुड लाइक टू, है ना. तो ये इसका क्या हो जाता सेन, चाहूँगा. एग्जांपल देख लेते इसके, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू मीट यू वंस, है ना, ये बहुत सुना होगा आपने. दूसरा है हमारा, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी या चाहती हो. वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, है ना. फिर नेक्स्ट है, क्या तुम पीटना चाहोगे. तो पीटना है यहाँ पे, है ना. वुड यू लाइक टू बीट अप या बीट, ठीक है. क्या तुम पिटना चाहोगे, वुड यू लाइक टू बी बीटन. पिटना के लिए बीटन, वहाँ मार रहे थे हम किसी को या हम खुद पिट रहे हैं, है ना. यहाँ देख लेते हैं अगला एग्जांपल हमारा, सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है. या फिर ऐसे भी बन सकता था, आस्क अ क्वेश्चन टू यू, ठीक है. यहाँ पर चेंज हो जाता थोड़ा, हमारा अदर वर्ड है, हम कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं. अगला एग्जाम्पल हमारा है, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा. ये बहुत बोला जाता है सेंटेंस, है ना. तो क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट. कोर के यहाँ पे हम बॉटम भी खोल सकते थे, बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्लियर. फिर नेक्स्ट है हमारा वुड. अब देखिए सिंपल वुड भी यू आ सकता है हमारा. अब सिंपल वुड क्या होगा देख लेते हैं, समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर बट स्पोकन इन पास्ट, ठीक है. भविष्य से रिलेटेड हो लेकिन पास्ट में बोला गया हो, ठीक है. तो उसके लिए हम बिल का क्या कर देते हैं यहाँ पे, वुड. उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा, है ना. तो अब ये पास्ट में है तो ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस, क्लियर. अगला एग्जांपल है, मुझे मालूम था कि वह जीतेगा. आई न्यू, पास्ट हो गया, दैट ही वुड विन, ठीक है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना स्वार्थी होगा, ठीक है. आई हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बी दिस मच सेल्फिश, क्लियर. फिर हमारा है, मुझे संदेह नहीं था कि तुम जीतोगे. आई हैड नो डाउट दैट यू वुड विन, क्लियर. फिर हमारा, मुझे लगा कि वो कभी नहीं आएगा. आई थॉट दैट ही वुड नेवर कम, क्लियर. इसमें कोई डाउट, नो डाउट. फिर हमारा है रिक्वेस्ट के लिए. अब यदि हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या निवेदन करते हैं तो भी हमारा क्या लग जाता है, वुड लग जाता है. जैसे कि यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं. पहला एग्जांपल है हमारा, क्या तुम कृपया मेरी मदद करोगे. या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते थे, कृपया तुम
मेरी मदद करोगे, तो क्या हो जाएगा, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम कृपया दरवाज़ा खोल दोगे, वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, है ना। कृपया यदि हिंदी में ना भी लगाया जाए, है ना, तो भी सेंस वही निकलेगा, क्लियर। इंग्लिश में प्लीज़ लगाना पड़ेगा लेकिन आपको, तो याद रखना ये क्या हो गया, निवेदन, रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अभी जो आपने सेंटेंस पढ़े हैं, है ना, मैंने जो आपको एग्जांपल बताए हैं वो स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल हैं जो जनरली हमारे कन्वर्सेशन में यूज होते हैं। आपको क्या करना है, अपने हिसाब से वर्ब को चेंज करना है, सब्जेक्ट को चेंज करना है, इन दोनों को चेंज करके आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, है ना। तकरीबन 10 सेंटेंस बनाइए आप, ठीक है। फिर आपको एक केस तो यही बन गया सिंपल केस, 5 केस और बनाने हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 60 सेंटेंस हो जाएंगे इस टाइप से, है ना। 60 सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको समस्या कहाँ हो सकती है, हो सकता है कि आपके पास वर्ब ना हो, है ना, वर्ब का चार्ट ना हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वर्ब पर मैंने एक वीडियो बनाया है, है ना, उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को ओपन कीजिए, है ना, वर्ब का वीडियो देखिए, वहाँ से आपको वर्ब की हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरे नंबर हमारा क्या आ जाता है, वर्ब हो गया, है ना, और हमारा सब्जेक्ट वगैरह तो आप चेंज कर ही लेंगे, केस की समस्या, ठीक है, केस की समस्या, सर कैसे केस बोल देते हैं, है ना। तो जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तब मैंने सेपरेटली सारे केसेस डिस्कस किए हुए हैं। केस मतलब होता है हमारा, जैसे फर्स्ट सिंपल सेंटेंस हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, तीसरा इंट्रोगेटिव हो गया, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, है ना, फिर डबल इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इस टाइप से हम 6 केस को डिस्कस करते हैं, है ना। तो उस केस की प्रैक्टिस करिए आप, है ना, ताकि आपकी जो इंग्लिश है और आपके जो सेंटेंस है वो इम्प्रूव हो सकें और आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना प्यार स्नेह मेरे साथ यूं ही बनाए रखिए, धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।